हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व की थी इंडिटरमिनेट बीम। हम लोगों ने सॉल्व करी थी, ठीक है। हमने डिफरेंट लोडिंग केसेस लिए थे, जब हमारी डिग्री ऑफ अटेंडेंसी हमारी 1 है, जब डिग्री ऑफ अटेंडेंसी हमारी 2 है, तो वो केसेस को लेकर हमने बीम को हमने एनालाइज किया था, ठीक है, जिसमें हमने शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉब्लम में, जब हमारे बीम्स में कुछ सेकेंडरी इफेक्ट्स आते हैं, जैसे सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स आ गया, बिल्डिंग ऑफ सपोर्ट्स आ गया, तो उस केसेस में बीम में स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होते हैं, वो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं आपके टॉपिक पर, ठीक है। ये भी बेसिकली आपका इंडिटरमिनेट पार्ट, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का ही एनालिसिस है। तो इस केस में हम लोगों को डिस्कस करना है कि यार, कि जब मेरी बीम जब सेटल कर रही है, तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स हो रहा है, तो उस केसेस में बीम में स्ट्रेसेस कैसे जनरेट हो रहे हैं, मेरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेंगे, फोर्सेस मेरे कैसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको उसके वजह से हमको रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करने होंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ओके। तो यार सबसे पहले हम लोग आते हैं कि स्ट्रेसेस जनरेट होते क्यों है। बेसिकली अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और कहीं से हमारा ऐसा सिचुएशन हो कि ये बीम जो है उसमें हमारे पास इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो कितनी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम की, वो होती है हमारी जीरो, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है हमारी जीरो, ठीक है। कहीं से ये पोर्शन आपका जो है वो सेटल कर गया, लेट अस सपोज वो डेल्टा सी अमाउंट से सेटल कर गया, ठीक है, ये सपोर्ट जो है वो आपका सेटल कर गया, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका जो डायग्राम बनेगा सेटलमेंट के बाद, वो कुछ ऐसा बनेगा। This is your A, this is your C, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यार ये एक रिजिड बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, या आप देख सकते हैं कि ये आपका एक रिजिड बॉडी मूवमेंट है। इस मूवमेंट की, इस मूवमेंट पर कोई भी आपके इस मेंबर पर नो कोई स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगे, ठीक है, नो स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस का मेरा मतलब है नो शेयर फोर्स, नो बेंडिंग मूवमेंट, क्लियर पॉइंट। तो जहां पर भी आपका स्टैटिक इंटरमिनेसी जीरो है, और वहां पर आपके सेकेंडरी इफेक्ट्स लग रहे हैं, तो क्योंकि वहां सेकेंडरी इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उन इफेक्ट्स की वजह से आप लोगों के बीम्स पर जो है कोई भी स्ट्रेसेस आपके जनरेट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, इस मूवमेंट को रोकने के लिए कुछ चीज है नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस केस को मॉडिफाई कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं इस चीज को मॉडिफाई कर दूं, ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि इसकी अगर मैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करूं, इस पॉइंट पर मेरे को एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, एक मोमेंटम रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से अभी मुझे मतलब नहीं है, क्लियर है, पर यहां पर मुझको एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन मेरे पास 3 है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास 2 है, तो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई मेरी 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा सपोर्ट है वो सेटल कर रहा है डेल्टा सी अमाउंट से, ठीक है, और मैं इसका डिफ्लेक्शन कर्व डायग्राम बनाता हूं, अगर इसका मैं डिफ्लेक्शन कर्व डायग्राम बनाता हूं, तो वो कुछ मेरे को ऐसा ही बनेगा, कुछ कर्व आएगा ना, ठीक है। यहां पर इसको क्या मिल गया, मोमेंट, इसको रेजिस्टेंस मिल गया, जो उसके रिजिड बॉडी मूवमेंट को होने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये जो ये है, इस पोर्शन पर आपके स्ट्रेसेस जो होंगे वो जनरेट होंगे, स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ओके। तो हम लोग ये चीज इस चीज से पता लगा रहे हैं कि जो भी हमारे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सेकेंडरी इफेक्ट का इतना ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। बट जहां पर भी हमारे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, वहां पर हमारे सेटलमेंट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कुछ मेंबर्स में यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन पर आते हैं, लेट अस सपोज हम इसकी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि डेल्टा से ये हमारा पॉइंट ए है, दिस इज मेरा पॉइंट बी, ठीक है, यहां पर कुछ लोड भी लग रहा है, लेट अस सपोज डब्ल्यू का लोड लग रहा है, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं देखता हूं कि इस बीम को अगर मैं देखूं, तो यहां पर अगर मैं लोड लगाऊं सबसे पहले, ठीक है, इस डब्ल्यू लोड की वजह से ये बीम जो है वो कुछ सेटल करेगी, ठीक है। तो हमको, हम इसको लिख लेते हैं, इस पॉइंट को डेल्टा सी डब्ल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, डेल्टा एल डब्ल्यू लिख लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, डेल्टा ड्यू टू लोड, डब्ल्यू लोड के कारण कितना, डेल्टा लोड के कारण कितना यहाँ पे डिडक्शन हुआ उस चीज को, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने इसको भी फ्री बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, वर्टिकल फोर्स लगा रहा हूँ, जो हमारी होगी आर सी, कंपेटेबिलिटी इक्वेशन हम लोग कैसे लिख रहे हैं, कि कैसे जॉइंट पर जब सपोर्ट का सेटल होता है तो वहां पे कंपेटेबिलिटी इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैंने इस पॉइंट पर आरसी रिएक्शन लगाया, तो इस आरसी के कारण ये बीम कुछ ऐसे बिल्ड करना चाहिए, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग
इसको मान लेते हैं हम डेल्टा 11 इनटू आरसी यूनिट लोड के कारण एट ओनली यूनिट ये हमारा 1 कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1 और उसको आरसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा मुझको ठीक है। बट अगर मैं इस चीज को ऐड करता हूं ठीक है अगर मैं इस चीज को ऐड करता हूं डेल्टा 1 इनटू आरसी इज इक्वल्स टू ठीक है ये जीरो होता है जब मेरा जो सपोर्ट होता है नॉन यील्डिंग होता है नॉन यील्डिंग सपोर्ट ठीक है और डेल्टा एल प्लस डेल 11 आरसी इज इक्वल्स टू यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेटल है आपका नीचे से सेटल कर रहा है तो ये जो होगा वो आपका माइनस ऑफ डेल्टा सी होगा क्लियर है फॉर यील्डिंग सपोर्ट्स ठीक है। और तो ये चीज जो है हमारी ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है जहां पर भी सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स आएगा अब यहां पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन है कहीं कहीं पे आपको रोटेशन भी मिल सकती है तो ये चीज आपकी इक्वेशन वैलिड करेगी ठीक है। और ध्यान रखना डेल्टा सी जो हम लोग जो लेते हैं डेल्टा सी वो होता है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिटर्नमेंट ठीक है। अब देखते हैं इस चीज का मतलब क्या है ठीक है हमने तो लिख तो दिया यहाँ पे कि डेल्टा सी जो होता है वो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिटर्नमेंट है। इस चीज का मतलब हम लोग तब समझ सकते हैं कि जब हमारे पास सेटलमेंट हमारे पास थोड़े ज्यादा हो कि हमारे दो या तीन सपोर्ट हमारे सेटल कर रहे हो तब इस इक्वेशन का यूज आता है ठीक है। तो हम लोग एक बार उस चीज को समझते हैं कि क्या मतलब है इस चीज का मैं क्या करता हूं यार यहां पर मैंने एक बीम ड्रॉ करी है यहां पर एक सपोर्ट है ये भी एक मेरा सपोर्ट है ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं यार ये सपोर्ट जो है मेरा वो यहाँ पे डेल्टा बी से डिफ्लेक्ट कर रहा है ठीक है ये वाला जो सपोर्ट है वो मेरा किससे डिफ्लेक्ट कर रहा है लेटर सपोर्ट डेल्टा सी से कर रहा है ठीक है जहां पर हमारा डेल्टा बी जो है वो बड़ा है ग्रेटर देन डेल्टा सी से ठीक है। और अगर हम लोग देखें इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी यार इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी 2 यहां पर एक रिएक्शन यहां पर एक मोमेंट यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन और यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन क्लियर है। तो उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी 2 क्योंकि 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है हमारी 4 अननोन्स है इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 2 है तो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी हमारे पास 2 ठीक है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा यार कि मुझको 2 रिलीजेस हमको यहां पर चाहिए 2 रिलीजेस मेरे को कैलकुलेट करने हैं ठीक है। अब होता क्या है यार कि अगर हम लोग देखें ठीक है तो ये मेरा मैंने अब क्या किया कि मैंने इसको एक रिलीज मान लिया दिस इज रिलीज 1 दिस इज रिलीज 2 ठीक है। तो मैंने क्या किया यार यहां पर मैंने यूनिट लोड लगा दिया सिंपली जो हमारा फंडा रहता है ठीक है। अगर अब मैं देखूं तो ये एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई लोडिंग अभी इसमें कोई भी लोडिंग नहीं है ठीक है। और अगर मैं देखूं और फाइनल कंडीशन है मेरे पास कि जो मेरे सपोर्ट्स हैं वो कुछ ऐसे सेटल कर रहे हैं ठीक है ऐसी कुछ कंडीशन बन रही होगी यहां पर जो मेरा एक्चुअल जो सेटलमेंट है सपोर्ट्स का वो यहां पर है क्या कहते हैं आपका डेल्टा बी इस पॉइंट पर है आपका डेल्टा सी क्लियर है पॉइंट ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है नेट डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा सी है वो क्या हो गया आपका डेल्टा बी के बराबर ही है ठीक है। यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट एट बी इज इक्वल टू डेल्टा बी ठीक है। और यहां पर जो है आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा सी पर वो भी आपकी डेल्टा सी ही है क्योंकि अगर आप इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम देखें यार इसका अगर आप डिफ्लेक्शन डायग्राम देखें तो इसमें एक आपको डेल्टा बी मिल रहा है ठीक है और एक आपको डेल्टा सी मिल रहा है ठीक है। डेल्टा बी और डेल्टा सी मिल रहे हैं वो मुझको ये मेरा एक सिंपल एक फ्री स्ट्रक्चर है जब ये मेरा एक सिंपल फ्री स्ट्रक्चर है ठीक है। इसको मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया इस टर्म में तो ये तो एक यहां पर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट पूरा ही नेट डिस्प्लेसमेंट है ठीक है डेल्टा सी का। अगर मैं देखूं यार अब मैं इस चीज को एक और मॉडिफाई करता हूं इस चीज को मैं एक बार इसको अभी आगे समझते हैं ठीक है क्या हम बोलना चाह रहे हैं ठीक है ये चीज अभी इससे क्लियर नहीं हो रही होगी। तो अगर हम लोग इस चीज को समझे अब मैं बोलता हूं यार कि मैंने इस डेल्टा सपोर्ट को भी मैंने यील्ड करा दिया ठीक है। नाउ मेरे पास कंडीशन है कि दिस सपोर्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यील्ड करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन यील्डिंग ठीक है।
तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी अगर हम लोग देखें कि ये अगर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यील्ड कर रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो अगर ये सपोर्ट मेरा कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, और अगर अब मैं देखूं यार इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा, इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैंने इसको यहां पे जब सिस्टम मैंने रिलीज किया अपने, ठीक है, तो अगर अभी आप देखेंगे, अगर अभी आप देखेंगे तो मेरे को, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपना आपको यहां पर कि अगर ये यहां पर मैं अभी जो मेरे पास जो यहां पर सेटल सपोर्ट्स यहां पर जो सेटलमेंट है, एक डेल्टा बी है और एक मेरा डेल्टा सी है, ठीक है, और इस पॉइंट पर एक मेरा सपोर्ट यील्ड कर रहा है, तो यहां पर मेरे पास जो तीन मेरे पास कंडीशंस आ गई, एक बार डेल्टा बी है, एक डेल्टा सी की है, और यहां पर आप एक बार यहां पर आपका एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका सपोर्ट यील्ड कर रहा है, ये फिक्स मूवमेंट, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं, अगर मैंने जब इस स्ट्रक्चर को रिलीज किया, ठीक है, तो मैं देखूं कि इस सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की वजह से, इस सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की वजह से मेरे को जो मिलेगा, इस सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की वजह से मेरे को जो डिफ्लेक्शन डायग्राम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये एक रिजिड बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, दिस इज रिजिड बॉडी मूवमेंट, ठीक है। रिजिड बॉडी मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी इस कंडीशन को मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, यही मतलब है इसका, ठीक है, इस कंडीशन को मैंने अभी यहां से ये जो रिएक्शन से मैंने उनको फ्री कर दिया, बस मेरे पास जो रिएक्शन है वो इस पॉइंट पर है और उसकी जो रोटेशन है, उसकी जो रोटेशन है, जो वो यील्डिंग है वो इस बीम के एज अ लोडिंग ट्रीट कर रहा है, ठीक है, दिस विल ट्रीट एज अ लोडिंग, ट्रीट एज अ लोडिंग, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मेरे को जो डिफ्लेक्शन अभी मिल रहा है वो है मेरा डेल्टा बी डैश, इस पॉइंट पर जो मेरे को डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है भाई क्या, डेल्टा सी डैश, क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं देखूं, लेट अस सपोज कि मेरा डेल्टा बी डैश जो है, लेट अस सपोज मेरा जो डेल्टा बी डैश है वो लेस देन है डेल्टा बी से, ठीक है, और डेल्टा सी डैश है वो मेरा ग्रेटर देन है डेल्टा सी से, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो मेरा जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्चुअली मेरा डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक्चुअली मेरा डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा ना, जहां पर अगर हम देखें, ठीक है, एक्चुअली मेरा जो रिफ्लेक्शन डायग्राम होगा वो यही पोर्शन होने वाला है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें दिस डेल्टा बी डबल डैश और ये डेल्टा सी डबल डैश, ये है हमारे नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अभी इस केस में डेल्टा बी डबल डैश इज नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ रिडंडेंट, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो डेल्टा बी कंपोनेंट है, ये डेल्टा बी कंपोनेंट है, डेल्टा बी डैश यही कंपोनेंट है जो कि अब मेरे को, जिससे मेरे को मतलब है, ठीक है, इस कंपोनेंट से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, इस कंपोनेंट से मेरे को कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स थी मेरी, एक्चुअल सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स कौन सी है मेरी आपकी, ये कंप्लीट है, ठीक है, This is my delta B, ठीक है, and ये मेरा delta B का support था, and this is my delta C, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं यहां पर जो मेरे को इस direction में जो मिल रहा है वो delta C ये वाला मिल रहा है, ठीक है, और इस direction में जो B मिल रहा है वो मेरे को delta B dash मिल रहा है, क्लियर है। तो हमारा कहने का मेरा मतलब ये है यार कि अगर कहीं पर आपको, जैसे यहाँ पर आपकी स्टैटिक डेटाबेसी आपकी टू है, ठीक है, और आपको यहाँ पर जो यील्ड मिल रहा है, एक यहाँ पर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर एक सिंकिंग ऑफ सपोर्ट इस पॉइंट पर मिल रहा है और आपको एक यील्डिंग मिल रही है, ठीक है, तो जब दो टोटल यहाँ पर तीन कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, और स्टैटिक डेटाबेसी मेरे पास है दो, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ की आपके जो जो यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स है वो एक्सीड कर जाए, नंबर ऑफ यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स एक्सीड कर जाए जहां पे आपके स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी से, वहां पर आपको चांसेस हैं कि कहीं पर आपको रिजिड बॉडी मूवमेंट मिलेगा, कहीं पर आपको डिफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये डेल्टा बी इज कंपोज्ड ऑफ रिजिड बॉडी मूवमेंट प्लस डिफॉर्मेशंस, ठीक है।
तो इस कहने का मतलब कि डेल्टा यहां पर जब मेरा सपोर्ट जो था वो डेल्टा बी पर गया, ठीक है, डेल्टा सी पर गया और ये कुछ रोटेट किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इन तीनों की वजह से कुछ ना कुछ कुछ रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट इसमें जनरेट हुई है। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन मेरी रॉन्ग हो जाएगी अगर मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर कि डेल्टा वन एल प्लस डेल वन वन इनटू में वी बी प्लस डेल वन टू इज बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा बी। ये इक्वेशन जो होगी वो रॉन्ग होगी, ठीक है, इसकी प्लेस में आएगा आपका डेल्टा बी डैश, जिसकी वजह से आपने डिफॉर्मेशन जनरेट हुआ है। इस डेल्टा बी डैश की वजह से ही, इस डेल्टा बी डैश की वजह से ही आपके यू विल गेट द डिफॉर्मेशन, यू विल गेट डिफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि डेल्टा सी नेट डिस्प्लेसमेंट वो है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में आपके क्या हो रहे हैं, रिएक्शंस जनरेट हो रही हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये एक पर्पस है आपको बताने का कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कैसे हम लोगों को देखना है कि कब हम लोगों को डेल्टा बी डैश लेना है, कब हमको नेट डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो उस केसेस में ये चीज थोड़ी सी आपको और बेटर थोड़ा क्लियर हो जाएगी। ओके, तो वेलकम टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं यार। प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये हमारे पास एक प्रॉप कैंटिलीवर इंडिटरमिनेट बीम दिया है हमको, ठीक है, जो कि इंडिटरमिनेट हो रही है। यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा रिएक्शन बी लगा दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमको कुछ ई की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी है, और ये जो तो बी सपोर्ट है ये मेरा सटल कर रहा है भाई 5 mm से। क्लियर पॉइंट? तो मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया, इसका बी सपोर्ट जो है वो मेरा सेटल कर रहा है 5 mm से, ठीक है, कोई इसमें एक्सटर्नल लोडिंग अभी नहीं लग रही है, मेरा सपोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर रहा है 5 mm से। तो मेरे को क्या करना है भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया कि टेकिंग इसमें इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वो मस्ट है आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना, मस्ट है कि आपको कितने रिलीजेस चाहिए स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पर मेरे पास कितनी रिएक्शन है, एक एक मोमेंट, यहाँ पर कितनी रिएक्शन है 1 और यहाँ पर है मेरे पास एक रिएक्शन 2, ठीक है, इस सिंगल। तो टोटल रिएक्शंस कितनी होगी मेरे पास, टोटल रिएक्शंस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है मेरे पास, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो है हमारे पास कितने 2, तो ये हो गया मेरे पास 4 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यार अगर हम लोग इस चीज को देखें तो अब मेरे पास यहां पर मुझको क्या चाहिए कि मेरे को 2 रिलीजेस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार कि मैं मेरे को कैंटिलीवर को सॉल्व करना इजी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको रिलीज करता हूँ और इसको रिलीज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दिस इज माय 5 मीटर, मैंने एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया 1 और एक कोऑर्डिनेट 5 और लिया 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक इसको मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, सी पर मेरा कोई सिंगिंग और सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हम लोग इस चीज को समझें कि यहाँ पर जो आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है मेरी, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और मेरे पास एक ही सेटलमेंट है यहाँ पर, ठीक है, एक सेटलमेंट है मेरे पास यहाँ पर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मोस्टली जनरली ये रिजिड बॉडी मोशन, ये नॉट रिजिड बॉडी मोशन है, डिफॉर्मेशन ही होगा, क्योंकि इसकी वजह से, इस कंप्लीट की वजह से हमारे पास डिफॉर्मेशन आएंगे। अब वो कैसे आएंगे हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये हमारे मेरे पास एक फ्री स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कोई लोडिंग एक्ट नहीं कर रही इसमें, ठीक है, कोई भी लोडिंग नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो इसका एक्चुअल में जो डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा, इसका एक्चुअल में जो डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, एक्चुअल में जो इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, वेयर दिस इज डेल्टा बी, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि ये होगा मेरा कुछ डेल्टा वन एल प्लस डेल वन वन वी बी प्लस डेल वन टू वी सी इज इक्वल टू डेल्टा बी, क्लियर है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन जो होगी वो होगी मेरी डेल्टा 2L प्लस डेल 21 VB प्लस डेल 22 VB VC इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पर तो कोई कुछ सेटलमेंट ही नहीं है, तो ये पॉइंट जो हो गया वहां पर मेरा 0 हो गया। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैंने सिंपली यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये सेटल भी कर रहा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर डेल्टा सी आ जाता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक डिफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए कंप्लीट डेल्टा की वी की वजह से
डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि यार हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, मेरे को कैलकुलेट करना है रो वन वन, रो टू वन, रो वन टू और रो टू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा बी मेरे पास गिवन है। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं यार, तो हमारे पास ये यही प्रॉब्लम है, दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं यार, यहां पर मैं ए बी सी लिखता हूं, ये मेरे पास मेंबर हो गए ए बी, ठीक है, दिस इज बी सी, दिस इज मेरे पास एम वन, दिस इज मेरे पास एम टू। मोमेंट ड्यू टू व्हेन यूनिट लोड इज एक्टिंग एट वन, यहां पर जब यूनिट लोड लग रहा है, और एक मोमेंट टू जब यूनिट लोड आपका इस पॉइंट पर लग रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, मैं एम वन कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेल एम वन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डेल वन हमारा जो होता है उसके लिए आपको एम वन कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट लोड लगाता हूँ वन का, इस पॉइंट और एक्स डिस्टेंस पर मैं डी एक्स एलिमेंट लेता हूँ, तो उसके लिए जो मेरा मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई मेरा, वन इंटू एक्स, ठीक है। आई तो सेम है यहाँ पर, रेंज हो जाएगी इसकी जीरो टू फाइव, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। बीसी के लिए भाई कोई पोर्शन इसमें जीरो रहेगा, इस पोर्शन पर कोई मोमेंट फोर्स नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है, तो इस पोर्शन पर मेरा जीरो रहेगा, ठीक है। फिर मैं आता हूँ भाई एम टू पर, एम टू की मेरी कंडीशन क्या होगी, एम टू की मेरी कंडीशन होगी जब मेरा जो लोड है वो इस पॉइंट पर एड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ए बी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो ये मेरा एक्स हो गया, ठीक है, और ये कितना है फाइव, तो ये कितना हो जाएगा मेरा वन इंटू एक्स प्लस फाइव, क्लियर है। और बीसी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, बीसी पोर्शन के लिए, इसके लिए हो जाएगा ए बी के लिए वन इंटू एक्स प्लस फाइव, और बीसी के लिए हो जाएगा मेरा, यहां पर मैं एक्स लूं तो वन इंटू एक्स, यही चीज रहने वाली है, क्लियर है पॉइंट। तो यार अगर मैंने ये चीज कर ली है, तो मैं इससे रो वन वन कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेल वन वन, सॉरी डेल वन वन, वो होगा मेरा कितना एम वन स्क्वायर इंटू में डी एक्स ओवर में ई आई, दिस इज इंटीग्रेशन जीरो टू एल, क्लियर है पॉइंट। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करें हम लोग, तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, हमारे पास ये वाले टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो हमको ये टर्म से मतलब है, तो ये हो जाएगा कितना आपका जीरो जीरो टू फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले डेल वन वन जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा कितना 125 ओवर में 125 ओवर 3 ई आई, ठीक है, ई आई का वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यार डेल वन टू कितना होगा, डेल वन टू कितना होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट एट वन टू यूनिट लोड एट टू, तो डेल वन टू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यही वाला टर्म होगा, ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो जीरो टू फाइव x into x plus 5, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास कुछ वैल्यू 625 ओवर में 6 ei, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं डेल 22 कैलकुलेट करता हूं, डेल 22 आ रहा है मेरे पास, डेल 22 अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 025 x plus 5 होल स्क्वायर 875 by 3 प्लस 71 बाय 3 प्लस 125 बाय 3 ये, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमारा डेल 11 कितना है, डेल 12 कितना है, डेल 22 कितना है, और डेल 21 तो हमारा जो होगा वो सेम ही होगा 625 ओवर में 6 ये है, ड्यू टू रेसिप्रोकल थ्योरम, क्लियर पॉइंट। तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में पुट करते हैं, कंडीशन हमको पता ही है, यहां पर डेल्टा भी पूरा कंट्रीब्यूटिंग कर रहा है डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इस चीज में वैल्यू में पुट करते हैं उस चीज को। तो यार अगर हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देखते हैं, इस वाली इक्वेशन अगर हम लोग, ये तो हमारा जीरो है, डेल वन वन कितना मेरा 625 ओवर में 3 ई आई, क्लियर है, इंटू में वी बी प्लस डेल वन टू कितना भाई मेरा 625 ओवर में 6 ई आई, ठीक है, इनटू में बीसी इज इक्वल्स टू,
डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी मेरा कोऑर्डिनेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड मेरा नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 5 mm, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.005 विद नेगेटिव साइन। क्लियर है, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड में हो रहा है। ठीक है, और बाकी और डेल वन वन और बाकी अगर हम इस कंडीशन को लिखे हैं, डेल टू वन कितना आता है हमारा, डेल टू वन हमने कैलकुलेट किया है 625 ओवर में 6 ई आई। ठीक है, तो 625 ओवर में 6 ई आई इंटू में वी बी प्लस और डेल टू टू कितना है हमारा 875 डिवाइड बाई 3 प्लस 125 डिवाइड बाई 3, तो ये आ रहा है वैल्यू कितनी हमने 333.33 वी सी ओवर में ई आई इक्वल्स टू 0। सी पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो सी पर हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। ठीक है, तो क्लियर है, तो ये हमारी इक्वेशन है। तो सॉल्व अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 × 10⁻⁵ m² ठीक है, तो इसको हमको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड। ठीक है, और इसको हमको मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 × 10⁻¹⁶ × 10⁻⁴ / 1000, ये रहेगा। तो यहां से अगर हम ईआईई कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, तो वो हमारे पास मिलता है 2 × 10⁻¹⁶ × 4 × 10⁻⁴ ई आई जो हमको मिल रहा है यहाँ से वो मिल रहा है मेरे को 80,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जीरा को ध्यान रखनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, इस ई आई को यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, इस ई आई को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ उससे। ठीक है, तो इसको अगर मैं और मॉडिफाई करके लिख दूँ तो ये हो जाएगी मेरी माइनस पॉइंट जीरो जीरो फाइव, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 400 माइनस 400। तो यहां से मेरे पास बीबी जो आता है वो आता है मेरे पास 43.88 माइनस में, और जो वीसी आता है मेरे पास यहां से वो आता है वो 13.714 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो हमने डायरेक्शन अज्यूम करी थी वो इसकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हमारी जो वैल्यू आ रही है वो उसके अपोजिट आ रही है। ठीक है, तो वीबी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारी कितनी आ रही है -44.8, तो कहने का मेरा मतलब है कि जो वीबी होगा वो इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है -43.88 है। क्लियर है, और जो वीसी है वो इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है यहाँ पर आपका 13.714। अगर ये चीज आपको पता चल गई तो आप बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा सिंपल प्रॉब्लम था जो हम लोगों ने देखा है इस चीज में कि कैसे मतलब हम लोग इस मतलब कैसे हमको अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, अभी तो सिंपल एक क्वेश्चन है क्योंकि हमारा एक ही सेटलमेंट है, जहां पर आपके सेटलमेंट की वजह से जहां पर आपके रिजिड बॉडी मूवमेंट भी आ गया तो उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उस प्रॉब्लम को भी हम लोग देखेंगे। तब तक ये प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं अभी इसके बाद।